क्वेश्चन नंबर वन को जीवा क्वेश्चन नंबर वन आप व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स आपको एसआई यूनिट पचार तो ऑलरेडी हमें डिस्कशन करे बहुत थर तो फोर्स एसआई यूनिट पचार मैंने पास्कल बॉयल न्यूटन वाट दे तो फास्ट ऑफ ऑल पास्कल कथा यदि कह प्रेसर जानते प्रेसर देन बॉयल जानते बॉयलटा आप रिलेट कर वन टाइप ऑफ टेम्परेचर आम पढ़ते गोटे थ्योरी क्लास में बॉयल टेम्परेचर बोली तो यहाँ रिलेट कर टेम्परेचर को न्यूटन कथा यदि कह न्यूटन आप फोर्स यूनिट फोर्स यूनिट हूँ न्यूटन तो पचार फोर्स तो न्यूटन हो करेक्ट आंसर व्हाट कथा यदि कह व्हाट किलोवाट ये सब होती आप पावर यूनिट कार यूनिट पावर यूनिट तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देला व्हाट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड थर्मल कंडक्टर तो आप भितर क्यों गोटे तो मैंने सब बैड थर्मल कंडक्टर बोली आपको पचार एल्युमिनियम कॉपर देर ग्लास सिल्वर दे तो थर्मल मीन्स कौन थर्मल मीन्स हूँ आपंकर कौन ना हीट बोली कहींपर हीट कहींपर तो या भितर किए सब आपंकर कौन ना हीट बा इलेक्ट्रिसिटी कहींपर किए कंडक्ट करनी तो आलुमिनियम तो कर कॉपर तो कर ग्लास कर ग्लास करनी तो ऑप्शन सी हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर एवं ही कहले तो न्यूटन कथा जी कह तो फोर्स करेंगे आ वेबर दे पास्कल हेनरी दे तो हेनरी देखूँ मुझक यहाँ कमेंट सेक्शन वार्क देवी तो आम अलरेडी डिस्कसन करते हेनरी कार यूनिट करते ना नहीं डिस्कसन तो यहाँ आपं कमेंट सेक्शन वार्क रहा तो यहाँ आपको जहाँ भी कहीकिमें आमको जहाँ भी मत आप कमेंट सेक्शन में कहे तो आम बहुत थर ये डिस्कसन करे तो यार राइट आंसर हो पास्कल प्रेशर पचार पास्कल हो। नेक्स्ट तो आपला मीटर इन ए व्हीकल दैट कैलकुलेट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल तो सिंपल पचार मैंने आपंकर जो गाड़ी मोटर रे तो आपंकर क्यों मीटर बसता है जोटा कि गाड़ी केते स्पीड रे चलु आपंकर कौन ना मैंने केते किलोमीटर डिस्टेंस गला तो आपंकर कौन मापी थाए गाड़ी केते किलोमीटर डिस्टेंस अतिक्रम कला तो मापी थाए किए तो आप गाड़ी में बसता है ओडोमीटर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन देला रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड इज कॉल्ड तो आपको बजार तो आपको देखते कौन कहला ना रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस जदि गोटे स्मूथ सरफेस रे लाइटा रिफ्लेक्ट कला तो अब दैट ए मिरर गोटे मानने लाइक गोटे मिरर गोटे क्यों प्रकार मिरर जार कि स्मूथ सरफेस तो ताधर जदि आपंकर कौन है ना लाइटा रिफ्लेक्शन कला तो आप क्यों प्रकार मिरर कह रेगुलर इरेगुलर ना आपंकर डिफ्यूज ना आपर फ्यूज तो आम क्यों प्रकार मिरर कह रेगुलर मिरर कह प्रकार मिरर रेगुलर कह स्मूथ जदि है रेगुलर कह। नेक्स्ट व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस रे यूनिट तो ऑलरेडी आम थ्योरी क्लास में डिस्कशन करे तो आपंकर रेजिस्टेंस रे यूनिट हो कौन ना फाराडे सॉरी आप रेजिस्टेंस पचार तो रेजिस्टेंस ओम हो रेजिस्टेंस कौन हो ओम हो तो फाराडे कार यूनिट तो फाराडे आम डिस्कसन करे कार यूनिट आप कहे फाराडे तो फाराडे आपंकर कार यूनिट हो कैपेसिटेंस रे यूनिट हो कैपेसिटी बा कैपेसिटेंस रे यूनिट हे कौन ना फाराडे हो तो हेनरी कार यूनिट वेबर कार यूनिट तो यहाँ आप कमेंट सेक्शन में कहे। नेक्स्ट आप तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियोस लॉ ऑफ फॉलिंग फॉलिंग बॉडीज तो आपंकर देखते मुझे थ्योरी क्लास तो आम न्यूटन कर फास्ट लॉ को दुईटा प्रकार कही था गोटे आपको पचारे लॉ ऑफ इनर्सिया कौन कही था लॉ ऑफ इनर्सिया आ गोटे कौन कही था ना लॉ ऑफ गैलीलियो तो ये कौन पचार गैलीलियो लॉ तो से कौन हो न्यूटन्स फास्ट लॉ तो देखते ये आपको न्यूटन्स फास्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ आउ आपको दे लॉ ऑफ मोशन तो लॉ ऑफ मोशन कहले आप कौन बुझे तो लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन फास्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ तो ये आप राइट आंसर हो न्यूटन का फास्ट लॉ। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी तो आ भितर केमती गोटे वेक्टर क्वांटिटी नुहे तो वेक्टर क्वांटिटी किए नुहे तो आपको देखिए मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट टॉर्क तो स्पीड गोटे वेक्टर क्वांटिटी तो स्पीड गोटे वेक्टर क्वांटिटी नुहे। नेक्स्ट तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेजर ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड को आम केमी मापी था आपको पचार मैग्नेटिक फील्ड केमी मापी था तो आम जानते मैग्नेटिक फील्ड को आम केमी आपको देखिए टेस्ला ओम कोबाल्ट एम्पियर तो इलेक्ट्रिक करंट को आम मापी था एम्पियर रे तो मैग्नेटिक फील्ड को आम टेस्ला यूनिट रे मापी था। नेक्स्ट नेक्स्ट आप अबाउट 70% ऑफ द सन इज मेड अप तो सूर्यकर 70 माने 70% आपंकर कौन अच्छे तो आम पढ़ीजे सूर्यकर आपणकर दुईटा प्रकार आपंकर गठित होती गोटे है हाइड्रोजन गोटे है हीलियम तो हाइड्रोजन कथा कह अबाउट आप 60-70% तो मैक्सिमम कंटेंट आप 70% हूँ हाइड्रोजन सूर्य क्षेत्र में हीलियम आ बाकी 30% तो आपंकर हाइड्रोजन हो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड तो आपको कही
गोटे प्रकार एनर्जी जोटा कि आमर कौन ना जोटा कि रिलीज करता है किए ना आप आर्थ रिलीज करता है तो ताको आपण जिओ थर्माल एनर्जी बोली कही था कौन कही था जिओ थर्माल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट टीवी रिमोट कंट्रोल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ तो आप जो टीवी रिमोट रहा तो टीवी रिमोट आपणकर क्यों प्रिंसिपल वर्क करता है अल्ट्रासोनिक वेव लेजर टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इन्फ्रारेड वेव तो आपनर केमिति वर्क करता है ना से आपनर इन्फ्रारेड वेव माने आपनर टेक्नोलॉजी रे वर्क करता है इन्फ्रारेड वेव। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला मॉडिफाइड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड डिडक्टेड दैट द एब्सोल्यूट जीरो जीरो ऑफ टेम्परेचर इज -273.150°C he has honored for this with the naming of kelvin temperature scale to apan se jo derive karle to apan absolute temperature value ta absolute zero temperature value ta -273.15°C to sathi pai tanku apan honor kara gala kon na kelvin's temperature scale le se jo derive karle to apan bujhe ji ki modify eta karthile modify ki karthile bujhe ji william crookes robert hooke देन आपर विलियम थॉमसन देन आप किए लुईस आपणकर अल्वारेज तो किए आपणकर करते तो ये आप डी ऑप्शन आपर रॉबर्ट हुकटा ये रही जाए जोटा ये आप डी ऑप्शन तो देखो तो राइट आंसर कौन हम कहुत तो सी आपर किए ना विलियम थॉमसन तो किए करते मॉडिफाइड विलियम थॉमसन। नेक्स्ट तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स आर एग्जांपल ऑफ तो आपर कॉन्वेक्स मिरर हो आ कॉनकेव मिरर हो दी टाइप मिरर तो अच्छी तो आपर जानी तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दुटा कहार गोटे प्रकार एग्जांपल तो सी होती स्पेरिकल मिरर गोटे एग्जांपल। नेक्स्ट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्जर्टेड बाय फ्लुइड इज अल्सो कॉल्ड तो फ्लुइड मानक द्वारा एक्जर्ट होता फ्रिक्शनल फोर्स को आम कौन कही था तो फ्लुइड मानक द्वारा एक्जर्ट होता फ्रिक्शनल फोर्स को आम ड्राग बोली कही था। नेक्स्ट पॉइंट को आसतु द रिफ्लेक्शन फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर तो प्लेन मिरर एक्जर्ट कर रिफ्लेक्शन को आम कौन बोली कही था तो ताको कौन कही था ना लैटरल इन्वर्शन कही था कौन कही था लैटरल इन्वर्शन कही था। नेक्स्ट पॉइंट देला इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफर्म मोशन इज कॉल्ड यूनिफर्म सर्कुलर मोशन तो ताको आप कौन माने से आप कौन कहे इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफर्म मोशन तो ताको आम कौन कही था तो ताको आम कही था स्पीड बोली कही था तो कौन कही था स्पीड बोली कही था। नेक्स्ट पॉइंट देला द डिस्टेंस आउ टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड तो इजे तो आपर जदि गोटे बॉडीटा आपजेक्टा गोटे कांस्टेंट स्पीड रे आपर मोशन कला देन डिस्टेंस आउ टाइम रो ग्राफ्टा कौन हम डॉट हम ना आपर सर्कल हम ना स्ट्रेट लाइन हम तो जदि आप कांस्टेंट स्पीड रे आपर गति कला तो आप स्ट्रेट लाइन हम। नेक्स्ट तो एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड तो आपर गोटे स्क्रीन रे तो क्यों प्रकार इमेज आपर ऑब्टेन हम रियल वर्चुअल इन्वर्टेड इरेक्ट तो केमिति इमेज आपर ऑब्टेन हम तो राइट आंसर है रियल इमेज। नेक्स्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट आपण देला कॉन्टैक्ट फोर्स इज अनदर नेम फॉर तो आपर कॉन्टैक्ट फोर्स को आम अदरवाइज कौन बोली कही था कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन कही था मैग्नेटिक फोर्स कही था ना आपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कही था ना आपर मस्कुलर फोर्स तो कॉन्टैक्ट फोर्स को आम अदरवाइज फ्रिक्शन बोली कही था। नेक्स्ट पॉइंट आपण देला देखो ये द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस विल इनक्रीज इफ तो गोटे आपणकर फ्रिक्शनटा दुटा दुटा सरफेस भितर फ्रिक्शनटा केतले इनक्रीज कर आपको सिंपल बजार ऑप्शन नंबर ए देला ए लेयर ऑफ लुब्रिकेंट इज केप्ट बिटवीन टू सरफेस द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर देन देला एयर गैप इज क्रिएटेड बिटवीन द टू सरफेस देन आपला इरेगुलरिटीज ऑन बोथ द सरफेसेस आर रिमूव्ड तो राइट आंसर कौन हो राइट आंसर है द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। नेक्स्ट इफ द फोर्स एक्जर्टेड ऑन ए बॉडी इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कौन हम जदि आप कौन ना आम फोर्स मानने अपोजिट डायरेक्शन में मोशन है तो आपर कौन हम स्पीडा तो स्पीडा मानने आपर कौन डिक्रीज कर कौन हो डिक्रीज तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देला द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन एसआई यूनिट बुझा तो एक्सेलरेशन जब कह वेलोसिटी पर टाइम तो मैंने टाइम पीरियड तो वेलोसिटी आपर कौन ना वेलोसिटी जानते आपणकर एम बाय एस मास पर आपणकर कौन ना मास पर टाइम आपर तो एम बाय एस देन आपणकर जो रहा वेलोसिटी
तो आमर आसेलेसन कला वेलोसिटी बाय टाइम तो आपन वेलोसिटी एटा एम बाय एस डिवाइड बाय एस तो हिजो आपन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर हिजो राइट आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट नेक्स्ट आपन कोन देला देखंतु एवरेज वेलोसिटी जोटा होची आपनकर यू प्लस वी बाय टू तो देन यू इज तो आपन पचार जे फॉर्मूला रे आमर यू यूज हेची यू वी दीटा आपन रहची तो वी कथा दि कहबा एटा होची आपनर फाइनल वेलोसिटी एटा कोन फाइनल वेलोसिटी जदि वीटा फाइनल वेलोसिटी हला यूटा आपन रहबो कोन इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट तो राइट आंसर हेगला इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट देला द साइड मिरर ऑफ व्हीकल आर ऑफ व्हिच टाइप ऑफ मिरर तो आपन व्हीकल मिरर टा पचारची तो सिंपल तो व्हीकल मिरर जदि पचला तो सेटा आपन करबे कोन ना आपन रहउची ऑटोमोबाइल मिरर तो सेटा हबो कन्वेक्स। नेक्स्ट इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 केजी देन व्हाट विल बी द वेट ऑन द मून तो आपन जदि गोटे आम अर्थ रे गोटे बॉडी रो ऑब्जेक्ट रो ता मास जदि 60 केजी हला तो सेटा मून ने केते हबो आपन पछ तो मून ने तो आम एटा जानिचे जे मून रो ग्राविटी एक एक विभक्त 6 ऑफ अर्थ मून रो ग्राविटी होची केते ना एक विभक्त 6 ऑफ अर्थ अर्थ रो ग्राविटी तो अर्थ रो ग्राविटी रो एक विभक्त 6 गुण जानिचु ना नै तो एठी हमको मास केते देची ना मास हमको 60 देची तो आम जदि देखिबा आपनकर मून माने आम मून रे जदि देखिबा तो मून ने केते हिजिवो 60 जदि हला तो देखंतु 60 जदि हला आमर केते हिजिवो ना 60 हेले तो आम जानचु आम पृथ्वी रे जदि 60 मून ने केते हिजिवो ना तार एक तो 6 गुण तो 6 रे काटले 6 10 तो आम कहिबा 10 केजी तो किंतु हमको देची न्यूटन ने तो जदि न्यूटन ने देची तो हमको एठी कोन बाहर करे पड़िवो ना न्यूटन ने देले तो आमको एटी ग्राविटेशनल आने पड़ो ग्राविटेशन जदि आम देखा ग्राविट हो 9/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एटा देन आम एवं काल्कुलेट करें पाईले कौन ना आम पाईले आपंकर जोटा पाई आमको ये गिवेन अच्छी कौन ना मास गिवेन अच्छी तो मास आ ग्राविट मिसाइद आप न्यूटन ने वेट आस तो आप देखते तो 60 आपे ना सिंपल 60 रे आप मिसाइद गुणीदेवे 9.8 तो 9.8 गुणी देते आप कैसे जीव ना 588 न्यूटन आस तो 588 न्यूटन को आम जब मून ने देखा तो मून ने आप ना 1/6 ऑफ अर्थ तो अर्थ रे 588 देन मून ने हो तो एक हुए तो 6 गुणी देवे तो यहाँ काटिदे आप 98 न्यूटन के 98 न्यूटन दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट नेक्स्ट आपन देला ग्राविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम आट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस तो आपन पचार क्यों प्लेस रे ग्राविटेशनल फोर्स आप मैक्सिमम क्यों प्लेस रे ग्राविटेशनल फोर्स आप मैक्सिमम बोली आपको पचार द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रे द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रे द पोल रे तो ग्राविटेशनल फोर्स होची एटा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने मध्ये आपको पचार तो सेटा होची पोल रे सबटु ग्राविटेशनल फोर्स टा मैक्सिमम देन नेक्स्ट देला द फेनोमेनन ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ कर्व रोड एबव द इनर एज टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स टू द व्हीकल टू टेक सेफ टर्न आर कॉल्ड आपणकर कौन ना आर कॉल्ड तो आपको कौन कहे ना कहे बैंकिंग ऑफ रोड्स। नेक्स्ट देला देखु तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटी नॉट ए आपको ये कौन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटी तो आभर क्योंकि गोटे आपर गोटे क्वांटिटी नुहे तो आपर क्वांटिटी नुहे मीन सेटा हम इलेक्ट्रिक करंट गोटे आपर वन टाइप ऑफ क्वांटिटी नुहे। नेक्स्ट देला व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिरेज इन डेजर्ट तो सिंपल मिरेज पचार तो मिरेज पचार मैंने आप कहे कौन ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो राइट आंसर हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट देला बेंडिंग ऑफ लाइट तो बेंडिंग ऑफ लाइट आपर कौन पाई तो डायरेक्ट मन रखिए ये बेंडिंग ऑफ लाइट दीजिए मीन डिफ्रैक्शन हम कौन हम डिफ्रैक्शन तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आ भितर केउटी गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे प्रॉपर्टी नुहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे गोटे प्रॉपर्टी नुहे कौन ना देखो ये ठीक देखिए ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फिल्ड जोटा कि दुटा को आपर परपेंडिकुलर थाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे गुड़ा आप ट्रांसपोर्ट वेव तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट तो ऑप्शन एटा होटा आपर गोटे प्रॉपर्टी नुहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन तो यहाँ गोटे आपर प्रॉपर्टी नुहे ऑप्शन ए हो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट को आसतु इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स ए नेल ऑन ए फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम व्हिच लॉ सपोर्ट दिस स्टेटमेंट तो आपको आपर क्यों लॉटा सपोर्ट करे तो आपको आपर न्यूटन्स थर्ड लॉ सपोर्ट करे। नेक्स्ट पॉइंट
नेक्स्ट देला व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी रे एसआई यूनिट बजार छि, तो फ्रीक्वेंसी रे एसआई यूनिट कोन जइबो ना हर्ट्ज जइबो। नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर जनरली यूज्ड है, तो कॉन्वेक्स मिरर बजार छि, तो एबे हम डिस्कशन करले तो कॉन्वेक्स मिरर होय छ अपन रियर व्यू मिरर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देला स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम, तो केउठी अपन स्पीड लाइट रो स्पीड मैक्सिमम, तो लाइट रो स्पीड अपन वैक्यूम रे मैक्सिमम। नेक्स्ट पॉइंट, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट रो यूनिटा कौन पचार एसआई यूनिट, तो सिंपल अच्छी एम्पियर। नेक्स्ट पॉइंट, तो सोप बबल सर्टेन स्पेरिकल सेप, सिंपल स्पेरिकल सेप ऑफ वाटर कौन पे ना आप सरफेस टेंशन पे, तो ऑप्शन नंबर सी है जीवो करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देला, नेक्स्ट तो व्हाट डज वाटर टैंक अपीयर शालोर व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप, तो वाटरटा आप कौन पे वाटर टैंक अपीयर शालोर व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप, तो सेटा देखा जाए ड्यू टू आपणकर ड्यू टू रिफ्रैक्शन फिनोमेना। नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन रेड एंड ग्रीन आर मिक्सड, जितने रेड कलर आ ग्रीन कलर को मिसाई देवा से येलो कलर फॉर्मेशन हो। नेक्स्ट पॉइंट, आट व्हिच प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, तो आपणकर क्यों प्लेस रे गोटे ऑब्जेक्ट रो वेट टा सबुठ अधिक थाए, तो सी हो जी पोल रे सबुठ अधिक थाए, पोल रे सबुठ अधिक थाए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स गैस एनर्जी टू मेकानिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक मोटरटा आपर क्यों एनर्जी रू क्यों एनर्जी को कन्वर्ट होता है, तो सिंपल सी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेकानिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट को आसवा, ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबरटा आपंकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना रे वर्क करे। नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए पिच ऑफ ए साउंड, तो आ भितर क्यों गोटे साउंड रो पिच बोली पचार, तो साउंड रो पिच होची फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, व्हिच फेनोमेनन शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो क्यों फेनोमेनन आपणकर कहिथिला पार्टिकल नेचर, तो पार्टिकल नेचर आपणकर कहिथिला किए ना आपणकर फोटो सॉरी हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आपणकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहिथिला पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट, व्हिच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन ब्लू एंड ग्रीन आर मिक्सड, जितेबले ब्लू आ ग्रीन कलर मिसी जीवो सेतेला आपणकर क्यों कलर फॉर्मेशन हबो, तो सेतेला आपणकर सियान कलर फॉर्मेशन हबो। नेक्स्ट, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो साउंड रो इंटेंसिटी पचार सिंपल अच्छी डेसिबेल है जो करेक्ट, देखो को ऑप्शन अच्छी ऑप्शन नंबर ए रे ही अच्छी। नेक्स्ट पॉइंट को आसतु, नेक्स्ट पॉइंट देला, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन, तो तार कौन ना तार आपर एनर्जी कांस्टेंट रहे, तार कौन कांस्टेंट रहे एनर्जी कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट पॉइंट, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी रो एसआई यूनिट पचार हीट एनर्जी, तो देखिए जूल न्यूटन देन आप कैलोरी, तो आप हीट रही एसआई यूनिट बजार मैंने आप कौन करेंगे जूल करेंगे, तो ऑप्शन ए जीव करेक्ट। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखो आम 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कले, तो आप नेक्स्ट वीडियो आम डिस्कशन करवा आउ इंपोर्टेंट 50 इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, तो आशा करूँ वीडियो आपको भल लगे, जब वीडियो भल लगी वीडियो गोटे गोटे लाइक करेंगे सांगसाथी सहित सेयार करेंगे, आ चैनल को जब फर्स्ट टाइम आसते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाए। आउ फ्रेंड्स पीडीएफ फाइल पाया चाहूँ आप जॉइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, तो तार लिंक मुझे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती। सो थैंक यू।